तो 4 days to go है भूल भुलैया 3 के लिए, 1st November को आ रही है, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा मंजू आई एम कमिंग फॉर यू. कोलकाता में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग कोलकाता में भी हुई है और यहाँ पर आके अगेन ऐसा लगा था जैसे भूल भुलैया ना बहुत ज्यादा बिकॉज वो कैरेक्टर्स हैं जो बंगाली कैरेक्टर्स हैं, जो नाम भी है हमारे कैरेक्टर्स के वो बहुत एंड तो उस तरीके से यहाँ पे बेस्ड भी है इस ये वाली फिल्म तो बंगाल में. सो कोलकाता एक इंट्रिंसिक पार्ट था फिल्म का. के साथ पहली बार जब आपको पता चला परफॉर्म करना है डांस करना है वो बांग्ला सीखे गया छे हां थोड़ा थोड़ा एक तो मैं माधुरी मैम फिल्म कर रही है कि हम भी साथ में गाना कर रहे हैं. मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि वो मतलब उनके हर अदा में डांस है तो मुझे लग रहा था मैं कैसे करूंगी, पर मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने मेहनत की एंड शी वॉज वेरी स्वीट. और ये मैं क्या कहूँ, ये इस गाने ने मुझे इतना दिया है, उसकी एनर्जी ने ही सब कुछ करवाया, मंजुलिका ने सब कुछ करवाया. बट इन्होंने तो बहुत कसके पूरी मैं जानती थी कार्तिक यही करेगा क्योंकि माधुरी जी ना बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पॉइज उसमें भी गला भी दबा रही है ना तो भी ऐसा लगता है माधुरी ने चल भी गला दबा. विद्या जी क्या नहीं अच्छा आ रहा हूँ ना अरे तो दो मंजुलिका बन जाती है, ये एक्चुअली मंजुलिका बन जाती है, गला दबाएगी गला निकाल देगी. एक्सपीरियंस मंजुलिका है, ये एक्सपीरियंस मंजुलिका. मैं हिल गई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां औरतों का बहुत ना सिर्फ बोलने के लिए पर सही मायने से बहुत सम्मान करते हैं. तो जब यहाँ ऐसी घटना घटी तो मुझे लगता है जैसे यहाँ सब हिल गए थे मैं भी हिल गई थी. मैं मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ ये बात हुई है. ये तो माए शौहर एखाने की रकम माने अमी बुझते पारछी ना क्या बोलूं बताओ. बोल रहे 3 निशुल्क देख बे करेक्ट.